वर्ष मेघानी वेलकम और वेलकम बैक टू तो माय चैनल आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड तो इससे पहले मैंने आप लोगों के साथ एक पर्पल ऑल शेयर किया था जिसमें मैंने काफ़ी सारे मेकअप प्रोडक्ट्स ऑर्डर किए थे और वो भी मुझे काफ़ी अच्छे प्राइस पर रिसीव हुए थे काफ़ी सारा डिस्काउंट मिला था और उसके साथ मुझे काफ़ी सारे फ्री गिफ्ट्स भी मिले थे तो उसके बाद से मेरी आंखें केवल पर्पल की सेल पे घड़ी रहती थी कि कब उस पर सेल आए कब अच्छे अच्छे डिस्काउंट आए और मैं उसे ग्रैब कर लूँ तो इस बार भी मैंने उनकी सेल से काफ़ी सारे स्किन केयर प्रोडक्ट्स और मेकअप प्रोडक्ट्स ऑर्डर किए हैं और ये हैं वो सारे प्रोडक्ट्स इन सब का रिव्यू मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी और मैं आपको दिखाऊँगी कि मैंने क्या क्या ऑर्डर किया है किस प्राइस में ऑर्डर किया है कितना डिस्काउंट मुझे मिला है सो तो ये सब मैं आप लोगों के साथ इस वीडियो में शेयर करूँगी तो अब ज़्यादा बातें नहीं करते हैं और जल्दी से स्टार्ट करते हैं ये वीडियो so, मैं सबसे पहले स्टार्ट करूंगी स्किन केयर प्रोडक्ट से तो स्किन केयर प्रोडक्ट में मैंने सबसे पहले ही ऑर्डर किया है हनी गुड वाइब्स का हनी ग्लो टोनर एंड दिस इज हाउ द पैकेजिंग लुक्स लाइक तो ये गुड वाइफ का टोनर है इसमें आपको काफ़ी तरीके के अलग अलग टोनर्स मिल जाएंगे मैंने हनी का ऑर्डर किया था क्योंकि हनी आपकी फेस को हाइड्रेट करती है मेरी स्किन ड्राई स्किन है तो मुझे कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स चाहिए होते हैं जिनसे मेरी स्किन हाइड्रेटेड रहे इसीलिए मैंने हनी टोनर ऑर्डर किया था और ये बहुत ही अच्छा टोनर है इसकी पैकेजिंग इतनी प्यारी है ना इतनी लग्जरियस पैकेजिंग है और ये ऐसे स्प्रे में मिलता है एंड और स्मेल भी बहुत अच्छी है काफ़ी अच्छी स्मेल है और इतना रिफ़्रेशिंग है आप इसको जैसे ही अपने फेस पे लगाओगे आपको काफ़ी रिफ़्रेशिंग फ़ील होगा और इसके साथ ही मुझे मुझे अभी भी स्मेल आ रही है इसकी और काफ़ी प्यारी स्मेल है इसकी और ये भी मैंने एक ऑफ़र में ऑर्डर किए थे मैं आपको ऑफ़र भी बताऊँगी कि क्या ऑफ़र था तो इसके साथ मैंने ऑर्डर किया था गुड वाइब्स का पपाया फेस मास्क और ये भी काफ़ी अच्छा है इस इसकी गुड वाइब्स के प्रोडक्ट्स पैकेजिंग काफ़ी अच्छी काफ़ी लग्जूरियस पैकेजिंग है तो आपको ये कुछ इस तरीके से मिलेगा आपको इसका ढक्कन ओपन करना पड़ेगा और ये है प्रोडक्ट लकैस इसमें ऐसी कुछ पपाया की ऐसी कोई खास स्मेल नहीं है बट जो भी स्मेल है वो काफ़ी अच्छी है काफ़ी रिफ्रेशिंग है और ये सारे प्रोडक्ट्स यूज़ करके मैं आपको उसका रिव्यू शेयर करूँगी एक अलग वीडियो में सो so, अगर आपने नोटिफिकेशन बेल आइकन को प्रेस नहीं किया है ना तो कर देना ताकि नोटिफिकेशन मिलना चाहिए आप लोगों को कि जब भी मैं न्यू वीडियो डालूंगी तो आपको एक नोटिफिकेशन भी मिलना चाहिए ये मैंने लिया था बाय वन गेट वन फ्री में तो इन दोनों का मुझे एम पे करना था तो इसमें से मुझे इसके टू फिफ्टी पे करने पड़े हैं और ये मुझे फ्री पड़ गया तो ये दोनों मिला के मुझे टू फिफ्टी में मिल गया तो ये काफ़ी अच्छी डील लगी मुझे ढाई सौ रुपये में ये दोनों प्रोडक्ट बहुत अच्छे हैं वो भी गुड वाइफ्स के इसके बाद है मेरे पास गुड वाइफ्स का पपाया फेस वॉश और ये ऐसे पम्प पैकेजिंग में आता है फेस वॉश की ये जो पंप पैकेजिंग होती है वो काफी अच्छी लगती है मतलब काफी कन्वीनियंट रहती है ये है एक ब्राइटनिंग फेस वॉश ब्राइटनिंग का जितना ये क्लेम करता है कि ब्राइटनिंग फ़ेस वॉश उतना ब्राइटनिंग नहीं देता है हल्का सा कुछ ग्लो मिल जाता होगा लेकिन ऐसा कुछ खास ब्राइटनिंग है नहीं ये फेस वॉश क्लेम करता है कि ये नॉन ड्राइंग फेस वॉश है एंड इट इज़ रियली नॉन ड्राइंग फेस वॉश ये आपकी स्किन को हाइड्रेट नहीं करता है लेकिन साथ में ही ये आपकी स्किन को ड्राई भी नहीं करता है लाइक like, अगर आपकी भी मेरी तरह ड्राई स्किन है तो ये वाला फेस वॉश आप जरूर ट्राई करना क्योंकि मैं कोई भी फेस वॉश ट्राई करती थी तो मेरा स्किन जो है वो बहुत ज़्यादा ड्राई हो जाती थी और मुझे मतलब मॉइस्चराइजर के इसी लिए भागना पड़ता था मॉइस्चराइजर के लिए कि फटाफट से मॉइस्चराइजर लगाओ लेकिन ये फेस वॉश लगाने के बाद वो वाला सीन नहीं है आपकी स्किन बिल्कुल ड्राई नहीं होती है हाँ सर्दियों में आपको मॉइस्चराइजर लगाना पड़ेगा लेकिन इतनी भी ड्राई नहीं होती है ये भी मैंने बाय वन गेट वन फ्री में ऑर्डर किया था तो इसके साथ मैंने ऑर्डर किया था गुड वाइब्स का पपाया फेस स्क्रब सो इसकी एम आर पी थी टू हंड्रेड फाइव और इसकी एम आर पी थी वन नाइन्टी फाइव तो मैंने इसके टू हंड्रेड फाइव पे किया और ये मुझे टू हंड्रेड फाइव में ये दोनों प्रोडक्ट्स मिल गए तो मुझे चारों प्रोडक्ट जो हैं गुड वाइब्स के वो समथिंग साढ़े चार सौ के पड़े थे तो ये काफ़ी अफोर्डेबल है साढ़े चार सौ रुपये में गुडवाइब्स के इतनी सही अच्छी क्वांटिटी वाले प्रोडक्ट्स इतनी सही क्वालिटी वाले प्रोडक्ट्स काफ़ी अफोर्डेबल हैं अगर आप जस्ट ऑफर देखते रहिए और ऑर्डर प्लेस कर दीजिए और ये एक स्पॉन्सर्ड वीडियो बिल्कुल भी नहीं है ये मेरे खुद के रिव्यूज़ हैं मेरा खुद के एक्सपीरियंस है जो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ और तो मैं बात करूँ ये पपाया फेस स्क्रब की सो इसकी भी स्मेल काफ़ी अच्छी है लेकिन प्रोडक्ट्स की स्मेल बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग भी नहीं है और बहुत ज़्यादा मतलब बिल्कुल एकदम वैसे मीठी मीठी सी स्मेल बोलते हैं ना मतलब हल्के हल्के से स्मेल वैसी है काफ़ी रिफ्रेशिंग स्मेल है और इसकी इसमें बिल्कुल फाइन पार्टिकल्स हैं बहुत ज़्यादा पार्ट बहुत बड़े बड़े पार्टिकल्स नहीं है काफ़ी फाइन पार्टिकल्स है लाइक जिनमें बड़े बड़े पार्टिकल्स होते हैं वो बहुत हार्श होते हैं अपनी स्किन पे तो वो मुझे बिल्कुल अच्छे नहीं लगते लेकिन इसके साथ वो सीन नहीं है इसमें काफ़ी फाइन पार्टिकल्स हैं और इवन जो स्क्रब है वो बहुत ही मतलब क्रीम बेस्ड है बिल्कुल ये आपकी स्किन को काफ़ी अच्छा मॉइस्चर देता है आपकी स्किन हाइड्रेटेड रहती है तो ये है मेरा इसका रिव्यू छोटा सा इसके बाद में जब आपको यूज़ करूँगी तो मैं आपको उसका पूरा रिव्यू दे दूँगी और ये भी पैराबेन और मिनरल फ्री है और इन सब के साथ भी मुझे एक और चीज़ फ्री मिली थी वो है ये पर्पल मिनी इट इज़ इन द शेड सेवेंटीन माय फर्स्ट मैड ऑफ ऑनर मोमेंट तो ये इस टाइप की पैकेजिंग में आती है इसकी जो एमआरपी है वो टू ट्वेंटी फाइव है बट मुझे ये फ्री मिली थी किसी सर्वे के कारण और ये बहुत ही प्यारा शेड है बहुत ही प्यारा और ये कितनी छोटू सी है लाइक लेकिन इसका कलर बहुत प्यारा है Just look at काफी अच्छा पिंक पिंक शेड है बहुत प्यारा पिंक शेड है तो मुझे ये लिपस्टिक काफी पसंद आई और फ्री में मिली है तो और भी ज्यादा अच्छी लग रही है इसके अलावा मैंने ऑर्डर किया है मेरा ऑल टाइम फेवरेट फाउंडेशन मे बिल फिटमी फाउंडेशन इसको मैंने री किया है ये काफ़ी अच्छा फाउंडेशन है इसमें प्लस आपको एस पी भी मिल जाता है और नॉर्मल टू ऑयली स्किन के लिए काफ़ी अच्छा रहता है ये फाउंडेशन और इसमें ये काफ़ी अच्छा मैट फिनिश वाला फ़ाउंडेशन है तो ज़रूर ट्राई करना आ, मैंने इसमें शेड लिया है 128 ट्वेंटी और ये जो फ़ाउंडेशन है इसकी एक्चुअल एम है वो है 549 बट मुझे इसका प्राइस थ्री एटी फोर का पड़ा था तो काफ़ी मुझे अच्छी डील मिल रही थी तो मैंने इसको री कर लिया और इसके अलावा मैंने ये स्विस ब्यूटी का ब्लश पैलेट ऑर्डर किया है और ये काफ़ी प्यारा पैलेट है लाइक ये आपको 399 रुपीस में मिल जाता है और जिसमें आपको ये फोर ब्लश शेड्स मिल जाते हैं थ्री कॉन्टोर शेड्स मिल जाते हैं और एक हाइलाइटर मिल जाता है और इसके ब्लश शेड्स काफ़ी प्यारे हैं काफ़ी सुंदर हैं और ये हाइलाइटर जो आज सबक रहा है वो यही वाला हाइलाइटर है मतलब हाइलाइटर काफ़ी ज़्यादा अच्छा नहीं है बट जो आप प्राइस पे कर रहे हैं उसके अकॉर्डिंग काफ़ी अच्छा है लाइक like अगर मैं अफोर्डेबल uh, में भी अगर जैसे ब्लू हेवन या किसी का भी मैंने एक छोटा जो ब्लश का पैलेट ऑर्डर किया है तो वो भी हंड्रेड रुपीज़ का पड़ेगा मुझे सस्ते में सस्ता भी और यहाँ मुझे फोर हंड्रेड में एट शेड्स मिल रहे हैं जिसमें मुझे कॉन्टा मिल रहा है हाईलाइटर मिल रहा है और क्या चाहिए इसमें बट इसमें एक चीज़ थी कि मुझे लगा था ये सारे शेड्स जो हैं वो मैट हैं इवन आपको भी मैट लग रहे होंगे अगर आप देखोगे तो लेकिन ये वाला जो शेड है वो शिमरी है और ये वाला शेड शिमरी है और इसमें ये शेड है वो भी जिमरी है तो इसमें तीन शेड मुझे शिमरी मिले थे तो वो चीज़ मुझे थोड़ा सा लगा कि इसमें शिमरी शेड्स क्यों है क्योंकि मुझे लगा था कि इसमें प्रॉपर पूरे मैट शेड्स आएंगे लेकिन स्विस ब्यूटी के बहुत ही अच्छे प्रोडक्ट्स मिलते हैं ये जो ब्लश शेड है वो काफ़ी स्मूथली ब्लेंड हो जाते हैं बहुत जा, बिल्कुल एफर्टलेस हैं और उतने ही ज़्यादा प्यारे हैं और काफ़ी अच्छे अच्छे शेड मिल जाते हैं आपको जस्ट लुक एट दिस मेरा इसमें शेड है ज़ीरो थ्री और इसमें काफ़ी सारे जीरो वन ज़ीरो टू जीरो थ्री और काफी सारे शेड्स आते हैं तो आप अपनी स्किन टोन के अकॉर्डिंग देख सकते हैं आ, मुझे ये वाला पसंद आया था इसलिए मैंने ये वाला ऑर्डर किया तो इसके मैं आपको स्वेचेस दिखाती हूँ तो मैं आपको इसका ब्लश का स्वेच दिखाती हूँ एंड सी पिगमेंट काफी अच्छी पिगमेंटेशन है और हाइलाइटर में भी गोल्डन टिंट है काफ़ी और काफ़ी अच्छे से ब्लेंड हो जाता है काफ़ी प्यारी शाइनर सो या ये मुझे ब्लश पैलेट काफ़ी पसंद आया सो दैट वॉज ऑल फॉर टू डेज वीडियो आई होप आप लोगों को, को ये वीडियो पसंद आई हो अगर आप लोगों को, को ये वीडियो पसंद आई तो डोंट फर्गेट टू गिव इट अ बिग थम्स आप और इन सारे प्रोडक्ट्स की लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी तो आप चाहें तो वहाँ से चेकआउट कर सकते हैं और अगर मेरे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो मेक श्योर यू सब्सक्राइब टू माई चैनल और उसके पास वाले बेलाइकन को भी प्रेस कर देना ताकि जब भी मैं न्यू वीडियो डालूँ आपको एक नोटिफिकेशन मिल जाए आई विन मीट फ्रेंड मन नेक्स्ट वन टिल टन बब्बा स्टे सेव स्टे हेल्दी